आज हम एक एल्बम बनाने जा रहे हैं। ये एल्बम होली का है और एक लोकगीत है। तो मेरा एक चैनल मैंने नया खोला है, छेदिया एंटरटेनमेंट। रवा लोग ज़रूर देखें और इसको लाइक करें, हमारे को बड़ा मज़ा आए। और इसके बाद मेरी एक हिंदी फिल्म आ रही है, कॉटेज नंबर 1303। ये पिक्चर कॉटेज नंबर 1303 है। इसके ये ट्रेलर हम लॉन्च किया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और ये जो अभी ट्रेलर आ रहा है, अभी गाना आएगा, यह पिक्चर छेदी गंगा किनारे वाला है। इसमें रानी चटर्जी हैं, मोनालिसा है, मैं भी हूँ और बहुत अच्छी पिक्चर है। इसके गाने देखिए, ये पहला गाना, फिर ये आएगा दूसरा गाना, ये तीसरा, ये चौथा, छेदी गंगा किनारे वाला। इस फिल्म के सब गाने देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, छेदी गंगा किनारे वाला। और आज हम लोग शूटिंग कर रहे जो फोक सॉन्ग है, विजयदास इसके सिंगर हैं और इन्होंने गाया है, मैं इसको पिक्चराइज कर रहा हूँ। होली का भी गाना है, इसमें मेरे एक छोटे ब्रदर है सूरज, जो इसमें एक्ट किया है। एक सैड वर्जन जो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, वो उनका पहला एल्बम है। इसके बाद एक पिक्चर भी आ रही है उनकी, नशा है पिक्चर का नाम, जल्द हम शुरू करेंगे। थैंक यू सर। जैसे कि आपकी बात करें कि आपने बड़े बड़े लोगों को स्टार बना दिया है, तो सूरज जी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने एक अभी गाना भी कर रहे हैं, फिर फिल्म करेंगे उनके साथ, तो इनको लेके आपकी क्या राय है और क्या प्लान है? देखो, मेरा ब्रदर है छोटा, और पहले मैं देख रहा था कि उसको एक्टिंग का कैसा है उसका, लेकिन मुझे लगा वो एक्टिंग कर सकता है। तो हम लोग एक पिक्चर भी प्लान कर रहे हैं और पिक्चर का नाम है नशा, जो हम लोगों ने उसके गाने वाने भी रिकॉर्डिंग की तैयारी की है, जल्दी हम लोग शूट करेंगे उसको। सर, अक्सर इंडस्ट्री में देखा है कि जब कोई इंसान सुपरस्टार बन जाता है तो भूल जाता है, तो आपको कितनी लोगों को जिसको स्टार बनाया उनसे आपको किस तरह का मतलब रिलेशन आज के दौर में है आपका? देखिए, ऐसा है कि जो स्टार बन जाता है बिजी हो जाता है, वो हमको तो क्या घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाता है, तो फिर भी मिलते हैं और मुलाकातें होती हैं, पार्टी में, घर पे भी आते हैं, हम जाते हैं उनके घर पे, सब अच्छा है। एक मिलजुल कर एक अच्छा भोजपुरी का परिवार है, हम सबसे मिलते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी लोग हमको मिलते हैं, याद रखे हैं और आज भी मिलते हैं हमको। सर, जैसे कि प्रोडक्शन की बात करें, आपने अपने प्रोडक्शन का भी चैनल लॉन्च किया है, तो उसकी कितनी तैयारी की है लॉन्च करने की? और अभी मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, जैसे एल्बम है, एल्बम शूट कर रहा हूँ, एक शॉर्ट मूवीज़ है, और उसके साथ हम लोग वेब सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ मैं। तो बस सब लोगों से गुजारिश है कि आप इसको देखें और लाइक करें। तो भाई सर, बाहर के भी आप जो कंटेंट होंगे वो भी आप अपने प्रोडक्शन से लॉन्च करेंगे कि सिर्फ अपने ही अपने होंगे? नहीं, बाहर के प्रोडक्ट भी मैं इसमें लॉन्च करूँगा, मैं देखूँगा कैसा है, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मैं अपने चैनल पर उनको लाऊँगा और दिखाऊँगा पब्लिक को। और आज की बात करें तो इस एल्बम में कितने गाने हैं, और विजय जी और सूरज जी और ये पूजा, ये प्रिया जी के बारे में जानना चाहेंगे? आज चार पांच गाने करेंगे हम लोग, और जिसमें सब गाने तो विजय जी के हैं, और सूरज के दो गाने होंगे, और होली का भी रात को एक गाना करेंगे हम लोग। पांच गाने आज शूट करेंगे, सबको एक एक करके एक गाना बांटा हुआ है हम लोगों ने। आपकी जो डायरेक्शन होता है वो कुछ अलग होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपको कुछ लोग बहुत मतलब बड़े तरीके से भी देखते हैं। देखो, क्या होता है कि हमारा कोशिश होती है, हम तो ससुरा बड़ा पैसे वाले से ही शुरू किया है, और वो दौर अलग था और ये दौर अलग है, लेकिन इंसान वही है, बनाते हैं हम फिल्में और आज भी लोगों को पसंद है। लोग बोलते हैं कि मैं अच्छी फिल्म बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी फिल्म बने और पब्लिक को पसंद आए, और कुछ पीछे पिक्चरें पसंद भी आती है, कुछ नहीं भी आती है, तो हमारी कोशिश तो जारी रहती है, हम लोग पीछे नहीं हटते, हम लोग करते रहते काम। और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे आप? आने वाले मेरे अभी एक पिक्चर है रानी दिलबर जानी, जो रिलीज़ हो जाएगी फरवरी में, और मेरी एक पिक्चर कम्प्लीट होने जा रही है कहानी किस्मत की, जिसमें विराज भट्ट है, कलुआ है, सुबी शर्मा है, मनोज टाइगर है, काफ़ी और भी अच्छे अच्छे एक्टर हैं,
तो वो कंप्लीट करके रिलीज़ करेंगे, उसके बाद मेरा पंजाबी फिल्म बनाने का प्लान है, तो फिर वो शुरू करूँगा। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में नए कलाकारों का आगमन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसको लेके आपकी क्या राय है? बहुत खुशी की बात है, नए कलाकार आ रहे हैं और आने भी चाहिए, नए नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि भोजपुरी का ग्रोथ बढ़ता है और जितना बढ़ेगा हमको तो उतना ही फायदा होगा। आपने बड़े कैनवास की फिल्में बनाई हैं, बड़े बड़े एक्टरों को लेके, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को लेके, एक साथ सात सात आठ आठ एक्ट्रेस ले ली हैं, तो नए को आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपका राय है? मेरे लिए देखो, स्टार भी वही है, जो नया है वो भी स्टार है। अभी मैंने हाल ही में पिक्चर बनाई जिद्दी, पिछले साल बनाई थी, उसमें मैंने निधि झा को लिया था। तो मैंने जब लिया, मैंने तभी बोला तू स्टार बन जाइए, और तू अच्छी दिखती है, अच्छा है, तेरा लुक वाइज है, अच्छी एक्टिंग है, तो मेरे लिए वो उसी दिन से स्टार थी और आज वो स्टार भी है, हमें खुशी मिलती है इसी से। थैंक यू सर। थैंक यू, कितना बोलता है यार।